एमएलए साहब, विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल शेष है, उससे पहले बीजेपी ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। प्रदेश के महामंत्री भी यहां दौरे पर है, किस प्रकार की तैयारियां आप लोगों द्वारा की जा रही है? ये जो आप फरमा रहे हो कि ये विधानसभा की तैयारी नहीं है, संगठन को सर्वोपरि मानते हुए संगठन को एक दिशा निर्देश देने के लिए संगठन ही हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन होता है वो सेवा भाव के लिए तैयार होता है। इसी के लिए प्रवास जो था पाली से जोधपुर और जोधपुर से आज बाड़मेर का था, बाड़मेर से आज कृष्ण जन्माष्टमी होने की वजह से आज वहाँ हमारे धोरीमना के अंदर आदरणीय के विश्नोई जी ने वहाँ जो कृष्ण जन्माष्टमी का एक पर्व वहाँ रखा गया है उसमें जाएंगे। और भाई साहब हमेशा संगठन को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी के लिए, इस देश के लिए, इस धरती माता के लिए काम करने का निर्देशित करते हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का काम करते हैं। इलेक्शन में समय है और दूसरा तो आप जानते होंगे कि इलेक्शन से लगाकर अब जो दिशा दशा और जो चीज़ हो रही है इस दुनिया में उसमें आपको ध्यान है कि ये भारत एक ऐसा महाराष्ट्र है जो कि आज की तारीख में जो अपन एक कल्पना करते थे कि सुनते थे कि पहले जो भारत विश्व गुरु था, अभी आपने देखा होगा कि जो विश्व गुरु की पलट पे जाने के लिए आज भारत अमेरिका और सब जो भारत का आदर कर रहे हैं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश के साथ में और जन 36 कौम के साथ में 1,35,000 जो 135 करोड़ की जनसंख्या है उनको जन जन तक कैसे इस हर सुविधा पहुंचाया जाए, राष्ट्र हमारा सुरक्षित कैसे रहो कैसे रहे, ये कल्पना की जा रही है। इस आपने कहा कि विश्व गुरु बन गया, किस प्रकार से, किन बातों के आधार पे आप कह सकते हो कि भारत विश्व गुरु बन गया? आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जो अफगानिस्तान से लगाकर तालिबान से लगाकर जो स्थिति बन रही है, और भारत पहले भी विश्व गुरु जिस समय में था, आज जो जिस हिसाब से मोदी जी ने एक नीचे छूने जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति के पास में जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो आज की तारीख में आज़ादी के 75 साल बाद में अगर पहुंचाने वाला है, जन जन को देखने वाला है, हर भारत मेरा मजबूत कैसे हो, तो नरेंद्र मोदी जी है, इस वजह से विश्व गुरु की तरफ पर आगे बढ़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अकाल जैसी स्थितियां बन चुकी हैं, क्या विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को बात कर रहे हैं? ये हमारे आए दिन जो अकाल की स्थिति मननी महाकाल पड़ गया है और इतना भयंकर अकाल मैंने भी कई वर्षों के बाद में देखने को मिल रहा है। पीने के लिए पानी नहीं है, मैं मेरी विधानसभा के बाड़मेर जिले की स्थिति ये बनी हुई है और शिवाना में आपको ध्यान होगा 200 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पेयजल के लिए, पर आज दिन तक भी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और आपको 15 दिन से तो ये स्थिति लाइट की बढ़ गई है, बिल तो चरचार्ज बढ़कर आ रहा है और लाइट बिल्कुल नसीब नहीं हो रही है। लोग दिन में सैकड़ों फ़ोन करते हैं कि हमारे लाइट नहीं आ रही है। पेयजल की किल्लत के साथ में पशुधन इस बार बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर डिवीज़न में बचाना बड़ा मुश्किल होगा और सरकार जिस तरीके से रवैया अपना रही है इस हिसाब से लगता नहीं, पर सरकार को मजबूर करेंगे, बाध्य करेंगे और सरकार को मजबूर होकर कुछ उपाय कर ले। पर आपको ध्यान होगा कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, ये बड़ा दुख की है। इस समय में किसान की, गाँव गरीब और किसान की सूद लेने की आवश्यकता है। सरकार कभी तो होटल में सो जाती है, कभी दिल्ली जाके सो जाती है और ट्वीट करने में, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट करने में अग्रसर रहती है, पर वर्तमान में धरातल पे कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को दुनिया जान रही है, जन जन जान रहा है और आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करके इसको आगे चेतावनी की तरफ आगे बढ़ेंगे।